नमस्कार, विनय क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रमशः मिलाने पर बनने वाले चारों त्रिभुज अपने मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर एक त्रिभुज है जिसके मध्य बिंदु है यह बी सी का मध्य बिंदु ये बिंदु है, ए सी का मध्य बिंदु ये है और ए बी का मध्य बिंदु ये है। मैं इनको नाम दे देता हूँ, इससे नाम दे रहा हूँ डी, ई और एफ, ये मैंने नाम दे दिया। अब ये कह रहा है कि अगर इन तीनों मध्य बिंदुओं को मिला दें, प्रश्न कह रहा है इसको इसको और इसको तीनों को अगर मिला दें, ठीक है, तो बनने वाले चारों त्रिभुज 1, 2, 3 और 4 वो बड़े वाले त्रिभुज के क्या होंगे, समरूप होंगे। तो हमें दिया हुआ है डी ई एफ क्रमशः बी सी ए सी व ए बी के मध्य बिंदु है, जो दिया हुआ है वही मैंने लिखा है। ठीक है, और हमें सिद्ध करना है कि बनने वाले सभी त्रिभुज ए बी सी के समरूप है। तो मैं यहाँ पर देखो तीन त्रिभुज ड्रॉ कर रहा हूँ, इसी में से एक तो मैं त्रिभुज ये ए बी और सी में ये वाली भुजा यानी एफ और ई जो इसके क्या है समानांतर दिख रही है ना, ये ड्रॉ कर रहा हूँ, वापस कर रहा हूँ। देखो ए बी और सी और ये वाली भुजा हो गई एफ और ई, ये इस ऐसा करने से सरल हो जाएगा प्रश्न पढ़ना। और क्या है देखो, एक भुजा ये वाली ड्रॉ कर रहा हूँ डी और ई और तीसरी भुजा एक और ड्रॉ कर रहा हूँ, ये भी हो गई ये वाली भुजा ए बी और सी और यहाँ आ जाएगा डी और एफ, ये ए बी और सी। चलो अब क्या हुआ देखो, हम जानते हैं एक प्रमेय नाइन्थ कक्षा में हमने पढ़ी होगी कि जब भी एक त्रिभुज के अंदर तीन किसी दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को जब हम मिलाते हैं वो तीसरी भुजा के क्या समानांतर होती है ना। तो ये प्रमेय सब में लागू हो रही है, देखो हम सभी मध्य बिंदु को ही मिला रहे हैं ना। तो मैं कहूँगा कि इस त्रिभुज में, त्रिभुज एक तो है ए बी सी व त्रिभुज, एक तो ये बड़ा वाला हो गया, एक हो गया ए एफ और ई, ए एफ और ई, इन दोनों त्रिभुज में आप ध्यान से देखो तो हमने इनके मध्य बिंदुओं को मिलाया और प्रमेय क्या कहती है कि मध्य बिंदुओं को अगर हम दोनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो तीसरी भुजा के समांतर भी होती है और आधी भी होती है ना। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो ई एफ है वो समानांतर होगी बी सी के और ये जो ई एफ है वो इसकी आधी भी होगी 1/2 बी सी, यानी ये तो बड़ी है लेकिन हमने आधी यहाँ क्यों की, ताकि ये दोनों बैलेंस हो जाए, बराबर हो जाए, तो आधा इसको करना है, ध्यान रखना बराबर करने के लिए। और इन दोनों में हम कारण भी बता सकते हैं ऐसा क्यों किया हमने, तो यहाँ लिख सकते हैं मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, मध्य बिंदु प्रमेय से। अब यहाँ देखो, यहाँ बी सी गुणे में है तो यहाँ नीचे जाकर ये भाग में आ जाएगा यानी बट्टे में आ जाएगा, तो यहाँ लिख सकता हूँ ई एफ बट्टा बी सी बराबर 1/2, समीकरण नंबर 1। और इसके साथ में और क्या कर रहा हूँ देखो, इसी त्रिभुज ए बी सी में और ए एफ ई में हम कह सकते हैं कि यहाँ देखो कोण ए बराबर कोण ए, दोनों में ही उभयनिष्ठ है। देखो बड़े वाले के लिए भी ये कोण है, छोटे वाले कोण के लिए भी ये है, कारण दे सकते हैं उभयनिष्ठ। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, यहाँ अगर ध्यान से देखो तो कोण एक और कोण दो आपस में बराबर होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक काटता है तो संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कोण एक बराबर कोण दो और कारण है संगत कोण। तो मैं अब कह सकता हूँ ए ए नियम से दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए एफ ई के, ये समरूप हो गया। ठीक है, अब ये वाला त्रिभुज लेते हैं, कौन सा त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी और इसके संगत त्रिभुज ई डी सी, ई डी सी में क्या क्या है देखो, वही बात है, मध्य बिंदु को मिलाया तो मध्य बिंदु प्रमेय अप्लाई हो रहा है, यानी मैं कह सकता हूँ डी ई समानांतर होगा ए बी के और डी ई
बराबर होगा 1/2 ए बी। कारण क्या बताना है? मध्य बिंदु प्रमेय। अब यही बात गुणे में है, भाग में आएगा, तो ये हो गया डी बट्टा ए बी बराबर 1/2 समीकरण नंबर 2। ये समीकरण आगे काम आएगी, ध्यान रखना। अब इसको भी हमें समरूप करना होगा, तो क्या करेंगे? देखो, एक तो इसमें कौन सी, दोनों में उभयनिष्ठ आ रहा है ना, मैं कहूँगा कौन सी बराबर कौन सी, उत्कारण क्या, उभयनिष्ठ, ठीक है। और इसमें ये था अपने पास में एक, इसको दे देता हूँ 3, 2 तो ये हो गया, कौन 1 बराबर कौन 3, ये भी क्या है, संगत कौन, ठीक है। तो अब मैं कह सकता हूँ ए ए नियम से त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ई डी सी के, समरूप हो गया ये भी। अब इसको समरूप करते हैं, वही बात, एक तो होगा त्रिभुज ए बी सी व इसके संगत लेना है, एफ बी डी, त्रिभुज एफ बी डी में इसमें क्या हो रहा है, देखो वही मध्य बिंदु प्रमेय, यानी कि डी एफ समानांतर है ए सी के और डी एफ बराबर है 1/2 ए सी के। कारण क्या है? मध्य बिंदु प्रमेय के कारण, ठीक है। अच्छा, अब ये गुणे में भाग में आएगा, डी एफ बराबर डी एफ बट्टा ए सी बराबर 1/2 समीकरण नंबर 3। अब वही बात, इसमें कॉमन कौन आ रहा है, कौन बी बराबर कौन बी, और इसमें संगत कौन, देखो कौन कौन से है, तो संगत कौन यहाँ पर आपके है, कौन बी भी ले लो और यहाँ चाहो तो ये भी ले सकते हो, ये दोनों कौन संगत है, तो ये 1 और ये आपके कितना था, 2 था, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुज में भी हम कह सकते हैं कौन 1 बराबर कौन 2, कारण क्या है, संगत कौन। एक मिनट, सॉरी, ये कौन 1 तो है, ये 2 छोड़ो इसको, ये कौन कौन सा था आपका, इसको 4 ले लेते हैं, और ये कौन, ये हमारे पास अभी नहीं आया तो इसको 5 ले लेते हैं। तो कौन 4 और कौन 5 आपस में बराबर होंगे, ठीक है, ये तो आपके उभयनिष्ठ है और ये आपके संगत कौन है। तो हम कह सकते हैं ए ए नियम से त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज एफ बी डी के, ये भी समरूप हो गया। अब चौथी बात हमें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। तो मैं यहाँ पर 3 समीकरण बना चुका हूँ, है ना, समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से क्या हो रहा है, देखो सब 1/2, 1/2 और 1/2 है, तो मैं इन सबको बराबर कर सकता हूँ क्योंकि सब वैल्यू बराबर है ना, सब 1/2 है, तो यहाँ लिख सकता हूँ ई एफ बट्टा बी सी बराबर है डी एफ डी बट्टा ए बी के और डी एफ बट्टा ए सी भी आपस में क्या है, बराबर, यानी ये तीनों बराबर है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जब तीनों भुजाएं, है ना, तीनों का अनुपात आपस में बराबर है, संगत भुजाएं आपस में समानुपाती है ना, तो मैं कहूँगा कि त्रिभुज बड़ा वाला बन रहा है। देखो ए बी और सी, ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज, अब इसके संगत लेना है, तो यहाँ पर देखो कौन सा ये त्रिभुज आ रहा है, तो यहाँ ए बी सी है, ए बी सी है, और यहाँ ऊपर है देखो बी सी, ये वाली भुजा, इसमें आना चाहिए ई एफ, तो पीछे आएगा ई और एफ, तो आगे कौन आया, डी, डी ई एफ, डी ई एफ क्या होगा, समरूप होगा, जो कि ये चौथा त्रिभुज है। तो ये तीनों, चारों त्रिभुज आपके क्या हो गए, समरूप हो गया, इति सिद्धम, है ना। आप चाहो तो ये मैंने तीनों क्यों किया, ये एक करके इसी प्रकार ये और ये समरूप होंगे, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं, लेकिन मैंने पूरा क्यों लिखा, ताकि आपको पूरा कंसेप्ट जो है समझ में आ जाए, ठीक है। प्रश्न संख्या 14, प्रश्न है आकृति दर्शाए अनुसार यदि ए बी लंब है बी सी पर, डी सी लंब है बी सी पर और डी ई लंब है ए सी पर, तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ए सी ई डी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, यानी हमें जो दिया हुआ है ए बी लंब है बी सी पर, डी सी लंब है बी सी पर, डी ई लंब है ए सी पर, और हमें सिद्ध करना है ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो देखो जो चीज दी हुई है उसी से सिद्ध होगा, लंब का मतलब होता है 90 डिग्री,
ये जो ए बी है वो इस बी सी पर 90 डिग्री है, ध्यान रखना, लंब मतलब। और डी सी जो है ये वाली लाइन वो भी यहाँ पर 90 डिग्री है, और डी ई ये वाली लाइन इस पर 90 डिग्री है, ठीक है। तो हमें इन दोनों त्रिभुज को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर उत्पत्ति करेंगे, और उत्पत्ति में क्या हो रहा है देखो कि यहाँ पर ये जो कोण बी है, ये कोण बी, और ये जो कोण सी है, कोण सी ये पूरा, ठीक है, इन दोनों को अगर अपन जोड़े तो 90 प्लस 90 बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और हम जानते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक काटता है तो अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, और यही बात इसमें आ रही है ना। तो अंतः कोण यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यह अंतः कोण है एक तरीके से, और अंतः कोण किस में बनेंगे, समांतर भुजाओं में बनेंगे। तो मैं कह सकता हूँ चूंकि इसलिए ये जो ए बी है वो समांतर होगी सी डी के, ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होगी, समांतर होगी, सी डी कर दो चाहे डी सी कर दो, दोनों भुजाएं आपस में समांतर है, दोनों समांतर है, ठीक है। अब जब दोनों समांतर है तो मैं कह सकता हूं कि ये कोण एक और ये कोण दो नंबर आपस में बराबर होगा, क्योंकि देखो आप एकांतर कोण बन रहा है, ये कोण और ये कोण जेड बन रहा है यहां पर, है ना, तो ये एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे। तो अब यहां पर अपन आगे करते हैं, त्रिभुज मैं ले रहा हूं सी ई डी व त्रिभुज ए बी सी में कोण एक, ये तो हो गया आपके त्रिभुज ए बी सी का, बराबर होगा कोण दो, ये हो गया आपके सी ई डी, सी ई डी ये छोटा वाला त्रिभुज आपस में बराबर है, क्या नियम आया, एकांतर कोण, ठीक है। और दूसरी चीज आप अगर ध्यान से देखो तो ये कोण बी इस त्रिभुज का और यहाँ पर ये कोण ई आपस में बराबर है, कहाँ से आया, दिया हुआ है, तो ये दो चीज आ गई, है ना। क्यों दिया हुआ है, क्योंकि ये लंब है, 90 डिग्री है ना। तो हम कह सकते हैं ए ए नियम से त्रिभुज सी ई डी समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के, इति सिद्धम। तो यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।